friends, good morning, good evening, good afternoon. You are watching YouTube NTech Support and I am your teacher and your friend Sonu Gupta. Students, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पार्ट फोर। इससे पहले पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा बता दूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्परेटिव को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। कोई ऐसा आज्ञावाचक वाक्य जिसमें हमें सलाह दी जा रही हो, कोई सुझाव दे रहा है, कोई हमें चेतावनी दे रहा है, किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है या कोई हमसे काम को करने के लिए कह रहा है। जब हम क्लास में होते हैं, आप टीचर से बोलते हैं सर मैं कमिंग, और टीचर कहता है यस कमिंग, तो आपने जो क्वेश्चन किया कि मे आई कमिंग, आपने रिक्वेस्ट की और टीचर ने जो जवाब दिया यस, ये दोनों के दोनों वाक्य आपके इम्परेटिव हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसी में आगे बढ़ाएंगे। इम्परेटिव को हमने टू पार्ट्स में भाग बांटा है, इसे क्या किया हमने दो भागों बांटा है। हम पहले डिस्कस करते हैं रूल्स को लेकर। रूल्स में फर्स्ट ये लिखा है स्टार्ट विथ वी फर्स्ट। इसका मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जैसे आप बोलते हैं प्लीज कम हियर, काइंडली हेल्प मी, गो देयर, प्लक द फ्लावर, ये सारे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसी कंडीशन में सेड टू को हटाकर हम वाक्य में वर्ब के अकॉर्डिंग ऑर्डर आदेश का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड, हम कोई प्रार्थना कर सकते हैं, बेग्ड, बेग्ड होती है याचना करना। देखो आपने देखा होगा आपके पास जब कोई भिखारी कुछ मांगने आता है तो बोलता है कि मुझे कुछ दे दो, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब भिखारी आपसे बार बार मांग रहा है इसका मतलब है वह आपसे याचना कर रहा है, बेग कर रहा है, ठीक है? तो ये होता है बेग। नेक्स्ट है आस्क, कोई आपसे कोई जरूरी बात कह रहा है तो वो आस्क में आएगी। वेट कहते हैं कहने के लिए, फॉरवेड मना करना, अर्ज याचना करना होता है, और बॉन्ड कहते हैं चेतावनी देना। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड आते हैं। सेकंड, जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पढ़ेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होता, टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन सन बटे 123, मैं आपको तीन बार बता चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। इसके अलावा हमारा एक पार्ट बी भी है, तो पहले हम पार्ट ए से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला है द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा गेट आउट, क्लास से बाहर चले जाइए। सर बोलते हैं टीचर आपके लिए, आप क्लास में शोर मचा रहे हैं, तो टीचर क्या कहता है चलिए उठिए, स्टैंड अप एंड गेट आउट। तो टीचर आपको क्या कह रहा है, ये आपको सोचना है कि टीचर आपको ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, बेग कर रहा है, आस्क कर रहा है, वेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर टीचर हमारे लिए आदेश दे रहा है, तब क्या करेंगे बिल्कुल सेम रहेगा। द टीचर सेड टू को क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे चेंज कर देंगे ऑर्डर दी बॉयज। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा टू, टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स, बहुत सारा सा बात है। सेकेंड है राम सेड टू हिज फादर, राम ने अपने पिताजी से कहा लीव मी गो, मुझे जाने दो। जैसे आप क्लास में टीचर से करते हैं आपको कहीं जाना होता है, आप बोलते हैं सर प्लीज लीव मी गो, मुझे जाने दो, आप क्या करते हैं आप टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे ही राम अपने डैडी से क्या कर रहा है, राम
अपने डैडी से क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन इज अदर कॉमन मेथड कॉमा क्या जाएगा टू प्लीज टेंस में क्वेश्चन मी फर्स्ट पर्सन है मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट है हमारा राम ऑब्जेक्ट है तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम और दिया जाएगा वो स्टूडेंट बहुत सिंपल होते हैं। उसने मुझसे कहा डू नॉट प्ले विथ फायर आग से मत खेलो आप आग से खेल रहे हैं माची जला रहे हैं तो कोई आपसे कह रहा आग से मत खेलो मतलब क्या है भाई आपसे मना कर रहा है या हो सकता है आपको चेतावनी दे रहा हो लेकिन आपको याद ही रखना है यहाँ पर एक नोट करने योग्य बात है वो ये है कि यदि फॉरबिड दिया हो तो फॉरबिड को डू नॉट में केवल टू में चेंज करते हैं और अगर हमने वर्ड लगाया तो हम डू नॉट को चेंज करेंगे नॉट टू में। ठीक है स्टूडेंट्स तो उसने मुझसे कहा आग से मत खेलो मैं क्या कर रहा है मुझसे मना कर रहा है He forbid me डू नॉट को कैंसिल करेंगे हम टू में टू प्ले विद फायर मतलब ये हो गया उसने मुझसे आग से खेलने के लिए मना कर दिया हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं He warned me उसने मुझे चेतावनी दी क्या की अब डू नॉट को हम नॉट टू में चेंज करेंगे नॉट टू प्ले वे फायर तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड के स्थान पर आप एडवाइज भी लगा सकते हैं हो सकता है वह हमें सलाह दे रहा हो कि भैया आग से मत खेलो जल जाओगे चेतावनी दे रहा हो भैया आग से मत खेलो जल जाओगे आपसे मना कर रहा है आग से मत खेलो जल जाओगे ये डिपेंड हम पर करता है कि क्या फीलिंग्स हैं और उस फीलिंग्स के अनुसार हम वहाँ पर किस शब्द को प्रयोग में ला रहे हैं हमारे दो एग्जाम्पल और हैं ये इससे रिलेटेड अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का भाग लेट अस से स्टार्ट हो देखो स्टूडेंट्स लेट अस और लेट अस ये जो तीन वाक्य थे ये स्टार्ट हुए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और ये स्टार्ट हो रहे हैं लेट अस से तो लेट अस में पहला वर्ड है सेड टू का डाटा हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड का उपयोग करेंगे स्टूडेंट सजेस्ट का मीन्स होता है सुझाव देना और प्रपोज्ड कहते हैं प्रस्ताव रखना आपको पता ही होगा कि प्रपोज और सजेस्ट में क्या डिफरेंस होता है मैंने दीपक से कहा चलाओ क्रिकेट खेलें इट मीन्स मैं दीपक के सामने क्या कर रहा हूँ प्रस्ताव रख रहा हूँ मैंने दीपक से कहा आओ हम इस समस्या को अभी हल करें अभी प्रस्ताव नहीं है अब मैं दीपक को सुझाव दे रहा हूँ ठीक है ये दोनों का डिफरेंस है मैंने कहा लेट अस प्ले क्रिकेट आओ क्रिकेट खेलें थोड़ा पहले ये क्रिकेट खेलें यहाँ पर लेट अस को जब हटाएंगे दो वर्ड आएंगे बी शुड और दे माइट हमें कहाँ पर कौन सा शब्द उपयोग करना है स्टूडेंट ध्यान रखना अगर यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो ठीक है फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं आई माई मी वी आवर अस अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बी का उपयोग करेंगे बी शुड का उपयोग करेंगे और यदि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो क्या करेंगे तो हम दे माइट का उपयोग करेंगे मैंने कहा लेट अस प्ले क्रिकेट आओ क्रिकेट खेलें मैं क्या कर रहा हूँ मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ मैंने कहा आओ क्रिकेट खेलें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे यहाँ पर दैट अब लेट अस जब लेट अस हटाएंगे फर्स्ट पर्सन है ये बी छोटा जाएगा ये आ गया बी शुड प्ले क्रिकेट देखो स्टूडेंट कितना सरल है नहीं है अब उसने कहा लेट अस डिसाइड द मैटर एट वंस
इस समस्या को अभी हल करें। तो वह क्या कर रही है, वह हमारे लिए सलाह दे रही है, सुझाव दे रही है। तो सी सजेस्टेड कॉमन इनवर्ट कॉमा डालने में क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पर कौन सा है, सी थर्ड पर्सन, देखो दे रखा है सी थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन होगा तो क्या लगाएंगे हम, दे माइट। तो लेट एस को डालकर क्या जाएगा, दे माइट डिसाइड द मैटर एट वंस। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि मैंने आज आपके लिए डायरेक्ट इनर का जो पार्ट फोर्थ इम्परेटिव से रिलेटेड पाया है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए।